आज के वीडियो में जानते हैं कि आपको ये कैसे पता चले कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, कौन से पांच लक्षण या कौन सी समस्याएं आपको दिख सकती है और इसके लिए कौन से पांच आयुर्वेदिक उपाय आपने करने हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ, ये जो तीन दोष है, इनका बैलेंसिंग, इनकी साम्यावस्था, हमें स्वस्थ रहने के लिए इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो वात के गुण आयुर्वेद में बताए हुए हैं, तो उसमें कहा गया है तत्र रुक्षो लघु शीत खरह सूक्ष्म शलो अनिल। तो जब ये वात दोष बढ़ता है तो ये जो गुण है ये भी ज्यादा, यानी इसके लक्षण भी ज्यादा दिखाई देते हैं। जैसे कि इसमें रुक्ष गुण है, रुखापन है, तो जब ये वात बढ़ता है तो शरीर में ये रुखापन दिखाई देता है, फिर त्वचा में रुखापन दिखाई देना, स्पेशली विंटर सीजन में, यानी ठंडी का जो मौसम है, इसमें त्वचा में बहुत ज़्यादा रुखापन आ जाता है, त्वचा में जैसे क्रैक्स पड़ने लगती है, हील में वगैरह त्वचा फट जाती है, या फिर होठों में वो जो क्रैक्स पड़ती है, तो त्वचा में इस तरह का बहुत ज़्यादा रुखापन दिखाई देता है। यही रुखापन बालों में भी दिखाई देता है, तो बालों का झड़ना या जैसे हेयर फॉल है, ये ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस तरह का जो पहला लक्षण वात के बढ़ने से हमें दिखाई देता है, वो है ये रुक्ष गुण का बढ़ना। वात के बढ़ने से दूसरा जो लक्षण दिखाई देता है वो है शरीर में दर्द होना, या फिर जोड़ों में आवाज़ आना, यानी कटकट सी आवाज़ आना, जोड़ों में दर्द होना, या फिर गर्दन में, कमर में, यानी कहीं ना कहीं ये दर्द दिखाई देता है। फिर चाहे वो जोड़ों से संबंधित हो या फिर मसल पेन हो, नर्व से रिलेटेड पेन हो, तो वात के बढ़ने के कारण ही ये दर्द भी दिखाई देता है। अब देखिए, वात का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है तो शरीर में स्निग्धता है, लुब्रिकेशन है, ये कम हुआ है, इसीलिए ये कटकट आवाज़ भी आती है। यहाँ तक कि ये जोड़ों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो विंटर सीजन में, यानी ठंडी के मौसम में ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वात का शीत गुण है और विंटर सीजन में ये ठंडी का मौसम है, तो इस समय पे शीत गुण ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए ये वाला सीज़न या फिर जो बारिश का सीज़न है, इसमें वात के बढ़ने का या ये दर्द बढ़ने का भी ये लक्षण भी हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। महिलाओं में भी मासिक धर्म के समय जो दर्द रहता है वो भी वात के बढ़ने के कारण और ज़्यादा रहता है। जैसे कि वायु का अनुलोमन ठीक से होना एक्सपेक्टेड है, अगर ये वायु की गति विकृत हुई है तो ये दर्द भी ज़्यादा दिखाई देगा, या फिर जैसे कि मासिक स्राव अनियमित होना है, ये लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। वात के बढ़ने के कारण दिखाई देने वाला तीसरा लक्षण है चल गुण का बढ़ना, तो चंचलता, अस्थिरता दिखाई देती है, तो इन लोगों में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, एक जगह पे बैठ ना पाना या मन अस्थिर हो जाना, बहुत ज़्यादा बात करना या बहुत जल्दी जल्दी बात करना, कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं रखना, कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, इनकी कमी होना, नींद ठीक से ना आना, या फिर थोड़े से ही आवाज़ से नींद जल्दी खुल जाना, सपने बहुत ज़्यादा आना या किसी चीज़ का डर लगना, ये सभी चीज़ें वात के चल गुण के बढ़ने के कारण दिखाई देती है। वात के बढ़ने का जो चौथा लक्षण है वो है विषमाग्नि। अब देखिए, वैसे भी जो लोग वात प्रकृति के हैं उनका विषमाग्नि रहता है, यानी कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी, लेकिन ये जब वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये विषमता भी ज़्यादा दिखाई देती है, तो खाने पीने के टाइमिंग में या फिर मन होना, भूख रहना, इसमें भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी दिख सकती है। यहाँ तक कि जो पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब होना, वेट लॉस होना, ये भी दिखाई देता है। वैसे भी वात में लघु गुण है, तो वैसे भी वात प्रकृति में जनरली वेट कम ही रहता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी और ज़्यादा डिस्टर्बेंस इसके कारण दिखाई देता है। वात के बढ़ने का जो पांचवा लक्षण है वो है पेट ठीक से साफ ना होना, कब्ज रहना, हार्ड स्टूल आना। तो अब देखिए, वैसे भी वात प्रकृति में क्रूर और कोष्ठ बताया जाता है, तो वैसे भी ये लक्षण रहते हैं, लेकिन जब ये वात और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लक्षण भी और ज़्यादा दिखाई देते हैं। और फिर पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन लगना, ब्लोटिंग लगना, हल्का सा दर्द होना, या फिर अगर कब्ज वगैरह बहुत ज़्यादा दिनों तक रहा तो उसके कारण फिशर वगैरह की तकलीफ भी इन लोगों में दिखाई दे सकती है। चलिए, अब हम वात को कम करने के लिए आप कौन से पांच उपाय कर सकते हैं, कौन सी पांच आयुर्वेदिक चिकित्सा ले सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है स्नेह प्रयोग।
अब इसमें भी जो तिल का तेल है वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी वात को कम करने के लिए तिल का तेल सबसे अच्छा है, क्योंकि तिल के तेल में स्निग्धता है जो वात के रूखेपन के अपोजिट है, यानी वात में रुक्ष गुण है और तिल के तेल में स्निग्धता है, तो ये तिल का तेल वात को बहुत अच्छे से कम करता है। दूसरा है तिल का तेल उष्ण वीर्य है, यानी ये गर्म तासीर का है और वात में ठंडापन है, तो इसमें भी ये दोनों अपोजिट है। तो तिल का तेल आप ज़रूर ले सकते हैं, आप थोड़े से गर्म पानी में भी एक चम्मच तिल का तेल डाल के ले सकते हैं, या फिर खाने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप गाय का जो घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गाय का घी भी वात और पित्त इन दोनों को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है आप अभ्यंग कर सकते हैं, कि जैसे कि अभ्यंतर स्नेहपान है तो ये एक्सटर्नल ऑयल एप्लीकेशन है, जैसे आप इसमें भी तिल का तेल हल्का गुनगुना करके आपने पूरे शरीर पे लगाना है। आयुर्वेद में ये जो अभ्यंग है ये वात को कम करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में दिनचर्या में, यानी आपके डेली रूटीन में आपने ये तेल की मालिश हर रोज करनी है। इसमें कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः, यहाँ पे वातः ये शब्द आया है, यानी अगर आप तेल की मालिश करते हैं तो शरीर का ये वात दोष कम होने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। तेल मालिश के लिए आप तिल के तेल के साथ साथ ही महानारायण तेल या बला अश्वगंधादि तेल, क्षीर बला तेल, इन जैसे मेडिकेटेड ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं, तो इसके भी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको पूरे शरीर पर तेल लगाने का टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है, तो फिर आप पादाभ्यंग कर सकते हैं, यानी रात को सोने के पहले पैरों के तलवों में आप तेल की मालिश कर सकते हैं। इससे भी नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होने के लिए, गहरी नींद के लिए, इस वात दोष को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। इसके अलावा जो शिरोभ्यंग है, यानी स्काल्प में आपने जेंटली ऑयल मसाज करना है, या जो नस्य है, यानी तिल का तेल हल्का गुनगुना करके आपने उसको नाक में 1 से 2 ड्रॉप आप इसे डाल सकते हैं, या फिर जस्ट उसको लगा भी सकते हैं, तो इसे आयुर्वेद में नस्य कहा जाता है। ये प्रतिमर्श नस्य है, दिनचर्या में हमें इसे रोज करना है। तो ये सभी चीजें वात को कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। अब देखते हैं कि आपके खान पान में कौन से 3 स्वाद आपने जरूर रखने हैं। तो आयुर्वेद में षड रस बताए जाते हैं, इसमें 6 स्वाद है, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। तो इसमें से जो पहले 3 स्वाद है ये वात को कम करते हैं, और जो बाकी 3 स्वाद है ये वात को बढ़ाते हैं। तो आपने खाने में मीठा, खट्टा, नमकीन चीज़ें आप ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको मीठी चीज़ें पसंद है तो आप इसे ज़रूर ले, वात को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही में जो खान पान आपका है, तो खाना हल्का हो या आपने ताज़ा खाना है जिसमें स्निग्धता है, तो ऐसा खाना अगर आप रखते हैं तो इससे भी ये वात दोष कम होने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलती है। व्यायाम करते समय भी थोड़ी सी सावधानी लेना अपने बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, व्यायाम तो ज़रूर करना है, लेकिन आयुर्वेद में अर्धशक्ति व्यायाम बताया हुआ है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं या जिम में जाते हैं या बहुत एक्सरसाइज आप करते हैं, तो इससे भी शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ रहता है। तो एक हल्के फुल्के व्यायाम आप कर सकते हैं, प्राणायाम है, ध्यान, मेडिटेशन, ओंकार, आप ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वात बढ़ा हुआ है, मन का ये चंचल गुण बढ़ा हुआ है, तो मन को स्टेबल करने के लिए, एक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी ये प्राणायाम या मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से मदद करते हैं। अब देखते हैं कि वात को कम करने के लिए आप कौन कौन सी औषधियाँ ले सकते हैं। तो देखिए, औषधियाँ जनरली चिकित्सक की निगरानी में लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सेफली आप कुछ औषधियाँ ले सकते हैं। जैसे कि आप दशमूल क्वाथ ले सकते हैं, यानी दशमूल का काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। इसको आप घर पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दशमूल का भरड आपको मिल जाता है, यानी जो कोर्स ग्राउंड पाउडर है, मोटा पाउडर है, वो आपको मिल जाता है। इसको घर में पानी के साथ उबाल के उसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो महारासनादि क्वाथ है या कुछ गुगुल यानी टैबलेट्स आती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो सिंपल औषधियाँ जैसे कि मुलेठी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, ये भी आप ले सकते हैं। तो मुलेठी आप आधा आधा चम्मच दिन में 2 बार ले, आप इसे खाना खाने के पहले ले। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है, तो इसके लिए भी ये जो मुलेठी है एक मृदु विरेचक है, यानी बहुत माइल्ड लैक्सेटिव है और बहुत सेफ है। साथ ही जो अश्वगंधा, शतावरी है, ये भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको शतावरी चूर्ण लेना है, तो आधा से 1 चम्मच शतावरी चूर्ण दूध में मिला के भी आप ले सकते हैं। दूध भी वात को कम करने के लिए बहुत अच्छा है, तो दूध के साथ ही औषधियाँ अगर आप पिलाते हैं तो इसका और अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है।
तो इस तरह से सिंपल औषधियों का सेवन आप कर सकते हैं। कुछ असवरिष्ट भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा रिष्ट है, द्राक्षासव है, बला रिष्ट है, तो ये औषधियाँ भी वात को कम करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए मदद करती है। वात को कम करने के लिए जो पांचवा उपाय है वो है बस्ती चिकित्सा। आप देखिए, वात को कम करने के लिए बस्ती ये सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा आयुर्वेद में बताई हुई है। तो इसमें एनिमा जैसी ही प्रोसीजर है, लेकिन इसमें वात को कम करने वाले जो तेल है या जो काढ़े है वो गुदद्वार के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये आपको चिकित्सक की निगरानी में करना ही ज़रूरी है, घर पे आप ये बस्ती चिकित्सा नहीं कर सकते। इसका जो ऋतु आयुर्वेद में बताया हुआ है वो है वर्षा ऋतु, यानी बारिश के समय में नेचुरली वात दोष बढ़ा हुआ रहता है, तो ये सबसे अच्छा सीजन है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लक्षण है या बहुत तकलीफ हो रही है तो आप इसे कभी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है और उसके लिए आप कौन सी चिकित्सा या कौन से उपाय कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी हमने ली, उम्मीद है ये जानकारी आपको मदद ज़रूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।